पे लेखिका जो है वो बड़े ही सुंदर भाव से, यहाँ पे सिर्फ एक भाव आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, माँ और बेटी के बीच का प्रेम, माँ और बेटी के बीच के में जो अगाढ़ जो वात्सल्य होता है, जो प्रेम होता है, द इंटीग्रिटी बिटवीन द चाइल्ड एंड द मदर, आप यहां पे देख रहे हैं। देखिए यहां पे, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथ हर फेस असेंड लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, आई रियलाइज्ड विथ पेन दैट सी वॉज ओल्ड, वो अपनी भावनाओं को यहां पे आई रियलाइज्ड विथ, आई फेल्ट दैट, आई रियलाइज्ड विथ, आई फेल्ट दैट, मतलब वो उनके दुख और दर्द को समझना चाह रही हैं, वो चाहती हैं कि मैं अपनी माँ को कैसे अपना पूरा प्यार उड़ेल के दे दूं, और सबसे बड़ा चीज है कि अपने माँ से, अब यहां पे आप एक और देखिए ना, जो लड़का और लड़की के बीच का जो भाव होता है, एक दर्द यहां पे लड़कियों का बताया गया है कि उसे अपनी मां को मजबूरी में छोड़ के जाना पड़ रहा है, वो छोड़ना चाहती नहीं है, लेकिन चूंकि सामाजिक हमारे यहां ऐसी व्यवस्था है कि लड़कियां अपने मां बाप के साथ नहीं रह सकती, लेकिन प्रेम को आप कैसे ले लोगे, ये एक भाव भी यहां पे, क्योंकि कमला दास वॉज अ मोस्ट प्रोमिनेंट फेमिनिस्ट, वो बहुत बड़ी महिलावादी लेखिका रही है, यहां पे उन्होंने इस दर्द को भी बयान किया है कि हम क्यों अपने मां बाप के साथ नहीं रह सकते, खुल के नहीं बोला है, लेकिन उन्हें यह दर्द यहां पे उनका यह चीज सामने ला रहा है। एंड द समरी ऑफ दिस पोएम इज दैट कि एक मां और बेटी के बीच का जो प्रेम है वह इतना प्रगाढ़ होता है कि मां उससे कुछ बोल नहीं रही, पर बेटी उसे समझ रही है और बहुत गहराई तक समझ रही है, जब वह बताती है कि मैंने अपनी मां को अपने बगल में बैठा बैठे हुए देखा तो वह मुझे कैसी दिखी, देखिए उसकी मां के भी शारीरिक स्थिति, उनकी मन स्थिति के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि भाई बूढ़ी हो चुकी हैं, बैठे बैठे सो जाती हैं, झपकियां ले रही हैं, और जिस समय वो झपकियां ले रही हैं उस समय वह एक मुर्दे की तरह नजर आ रही हैं, और इस बात का एहसास, इस बात का दर्द लेखिका अपने अंदर महसूस कर रही हैं, और जब ये दर्द उन्हें ज्यादा मतलब उनके हद से बढ़ जाता है तो वो क्या करती है, अपना नजर हटाकर गाड़ी के बाहर देखना शुरू करती हैं, और उन बाहर वो बाहर के नजारों से अपने आप को सूच करने का प्रयास करती हैं, अपने आप को रिलैक्स करने का प्रयास करती हैं, जब वो बाहर देखती हैं, बाहर में पेड़ों को दौड़ता हुआ देखती हैं, बच्चों को खेलता हुआ देखती हैं, तो वो फिर मृत्यु को जीवन से जोड़कर अपने आप को शांत करने का प्रयास करती हैं, और फिर जैसे ही वो एयरपोर्ट में पहुंच जाती हैं उनका दर्द फिर से छलक कर बाहर आता है, और वो बोलती है कि देखो मेरी माँ अब कितनी बूढ़ी हो चुकी है, वह एक लेट विंटर मून की तरह दिख रही है, इसका मतलब यह है वह कहना चाहती है कि मेरी माँ अब अपने अंतिम पड़ाव में है और अब उनके जाने का समय आ गया है। उसी समय उनके अंदर यह भाव पैदा होता है, उनके बचपन का हिज चाइल्ड हर चाइल्डहुड फियर उनके सामने में आता है कि जैसे 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 बच्चा जो है माँ को छोड़ते वक्त या मां से दूर होने पर डर जाता है, उसी प्रकार वह भय उनके अंदर अभी फिर जब वो अपने मां से अलग हो रही हैं, अपने मां को छोड़कर जा रही हैं, तो वह दर्द उनके अंदर भी महसूस होना वह करना वह शुरू कर देती हैं, और जाते जाते सिर्फ एक उम्मीद जता कर जाती हैं कि सू यू सून मां, मैं आपको फिर से देखूं, यही मेरी कामना है, और केवल मुस्कुरा कर वह अपनी मां से विदा ले लेती हैं। So that is with your summary of My Mother at 60. ठीक